चिड़ावा में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में काका सुंदरलाल एवं पूर्व प्रधान की आंखों में आंसू। कहा, जिस पार्टी में समर्पित रहे उसी पार्टी ने किया धोखा। झुंझुनू विधानसभा के बाद पिलानी विधानसभा से भी भाजपा में बगावत हो गई है। पिलानी विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी कैलाश मेघवाल की टिकट भाजपा ने काट दी है। काका सुंदरलाल निज निवास के पास पूर्व प्रधान कैलाश मेघवाल की टिकट कटने के बाद कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में उमड़ी भीड़ ने एक साथ हाथ उठाकर चुनाव में उतरने को लेकर समर्थन दिया। पूर्व प्रधान को लेकर मौजूद भीड़ उत्साह के साथ भावुक भी नजर आई। किसी की आंख में आंसू थे तो किसी के चेहरे पर उदासी। पूर्व प्रधान ने मंच से कहा कि पार्टी के लिए वो हमेशा खड़े रहे, लेकिन पार्टी ने उनका टिकट काट दिया। अब जनता के हाथ में है, वो इस फैसले को किस प्रकार से जवाब देती है। मंच से सर्व समाज ने एक साथ पूर्व प्रधान के साथ खड़े होकर चुनाव लड़ने को लेकर समर्थन दिया। पूर्व प्रधान ने जैसे ही चुनाव मैदान में उतरने का फैसला लिया, वैसे ही लोगों ने जोरदार तालियां बजाकर अभिवादन किया। आपको बता दें, पूर्व प्रधान कैलाश मेघवाल 7 बार के विधायक रहे पूर्व मंत्री काका सुंदरलाल के सुपुत्र हैं। जिले की पिलानी व सूरजगढ़ विधानसभा में भाजपा का कमल खिलाने का श्रेय सुंदरलाल को ही जाता है। जब मंच से आज वक्ताओं ने कहा कि 92 वर्ष की उम्र में काका सुंदरलाल के साथ पार्टी ने धोखा किया, जिस पर काका सुंदरलाल भी अपने आंसू नहीं रोक पाए। देखिए, पूरे पिलानी विधानसभा से कुछ ही समय के अंदर जितने भी लोग आ सके, कुछ घंटों में, मैं तकरीबन 1 बजे के आसपास चला था जयपुर से, तब फोन करके सूचना दी थी कि आप सब वहाँ घर पे पधारे, तो सब जितना भी हो सका लोग आए और गणमान्य व्यक्ति पधारे। सब ने सबसे पूछ कर और सबसे सलाह राय मशवरा कर सबका ये आदेश है कि चुनाव लड़ना है। तो जब लड़वाने वाला ही लड़ने के लिए कह रहा है तो लड़ने वाले की क्या दिक्कत होगी? पार्टी की आप टिकट कटी है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत बड़ी पार्टी है और जो भी उनका निर्णय है, मेरे दिल से या मेरे साथियों के दिल से पूछे तो निर्णय गलत है। पर हो सकता है उनके कोई दबाव होगा या किसी तरह का प्रेशर होगा या कोई लोग होगा, वो तो पार्टी जाने या वो जाने, इसके विषय पर मैं कुछ नहीं देश है ये। और जो हमेशा अपने और अपनों के लिए समर्पित रहता है, एक 92-91 साल के व्यक्ति को आप घर से निकाल दोगे तो समाज आपको गाली देगा। जिस पार्टी के लिए हमने वफादारी से, और मैं ये कहूँगा कि हो सकता है वैसा नेतृत्व मेरा भी नहीं है, सुंदरलाल जी एक ऐसा नाम है जो विपक्ष और विपक्ष वालों का मुंह माथा घर द्वार नहीं देखे उन्होंने। कांग्रेस छोड़ी, उसके बाद में आप कहीं भी एक फोटो दिखा दीजिए कि फला व्यक्ति के पास बैठे थे जो कांग्रेसी, फला जगह बैठे थे या फला नेता कांग्रेसी के पास बैठे थे। और उससे पहले जब कांग्रेस में थे तो भारतीय जनता पार्टी से कोई संपर्क नहीं था, निर्दलीय चुनाव लड़कर। और जब संकट में भारतीय जनता पार्टी थी, उस संकट में उभारने के लिए, और हमारे श्रद्धेय भैरव सिंह जी शेखावत, जिनका आशीर्वाद एक बड़े भाई की तरह सुंदरलाल जी पे रहा, उनके सहयोग में वो बिना किसी लोभ लालच के खड़े हुए और वो सरकार बचाई। और ये नहीं कहूँगा, उस सरकार बचाने के बदौलत जो परिवार का स्नेह भैरव सिंह जी ने हमें दिया, उसके लिए हम कृतज्ञ हैं। और उसके बाद वसुंधरा जी ने भी हमारे परिवार को हमेशा, अपनी उनसे मिलता हूं तो हमेशा एक ही बात पहले पूछेंगी, काका कैसे हैं, उसके बाद भी कोई बात करेंगे, डॉक्टर के पास ले जाना है, कौन से डॉक्टर के पास ले जाना है, इतनी छोटी छोटी चीज़ों को भी वो ध्यान रखती हैं। तो एक ऐसा संबंध है उनके साथ कि जिसको बयां नहीं कर सकता। परिवार से दूर होना एक वेदना के रूप में होता है, तो कितनी वेदना है इसको लेकर, क्योंकि आप परिवार से दूर जा रहे हैं? देखिए, उस व्यथा को मैं बता नहीं सकता, शब्दों में बयां नहीं कर सकता। और अब अगर मैं कमजोर पड़ा तो ये शायद लड़ाई कमजोर पड़ जाएगी। इसलिए इसे कहते हैं, अपने गम को कम करने के लिए अगर आदमी रो लेता है तो गम कम हो जाता है। पर मैं कल से इतना कठोर हूँ कि जब तक 25 तारीख का चुनाव और 3 का रिजल्ट नहीं आ जाता, तब तक हम और हमारे पूरे साथी कार्यकर्ता, तो एक बहुत बड़ी पार्टी के लिए होते हैं, हम पार्टी तो है नहीं, एक छोटे से व्यक्ति हैं,
तो ये साथियों का जो मेला है वो 3 तारीख और उसके बाद 5 साल तक इस पिलानी विधानसभा में यूं ही चहकता और काम करता नजर आएगा। कल के लिए क्या कार्यक्रम है? कल हम फार्म भरेंगे, तो उसके लिए 11:15 बजे नॉमिनेशन के लिए पहले बावड़िया बाबा की जन्मस्थली पंडित जी मंदिर पे एकत्रित होंगे और वहाँ से पैदल जाकर SDM कार्यालय में फार्म जमा करवाएंगे 2:15 बजे। जनसमूह जो इस दुनिया में एक बात है, जब भी कोई आदमी जरूरत के लिए जब अपने हाथ फैलाता है या लगता है कि वो कमज़ोर स्थिति में है, तो भारत भावुकता का देश है, भावनाओं का देश है। हर गिरे हुए नीचे गिरे हुए व्यक्ति को जो कमजोरी के समय रहता है उस कमजोरी को ऊपर उठाने के लिए हमेशा भारत के लोग आगे आकर काम करते हैं। और आज यही हम सबके बीच में हमें देखने को मिला कि आज जो कमजोर होकर गिरे हुए कैलाश को उठाने का जो काम पिरानी विधानसभा के लोग कर रहे हैं। आप इन शब्दों को थोड़ा अलग मत लीजिएगा क्योंकि आप पत्रकार हो, शब्द गिरना अलग है और गिरे हुआ होना अलग। कमी कहाँ देखते हैं आप? देखिए, मैं मानता हूँ कि आज जो व्यक्ति आए प्रत्येक विधानसभा से मौजूदा और मजबूत आदमी पधारे हैं और उसके साथ युवाओं की ताकत है, कमजोरी कहीं नहीं है। और जब आप सर पे या मंडासी बांध ले और या नौबत को ना उतारे कमजोरी के जिस प्रकार से सर्वे भी गए हैं और जिस तरीके से सारी चीजें आपके पक्ष में थी, अचानक से ये जो घटनाक्रम घटित हुआ है उसको लेकर आप क्या कहेंगे, क्या लगता है आपको? मैं जेंट गुण तो जी बस इतनी कमी सर्वे वाला गलत नंबर दे दिया था भाई साहब। मैं पार्टी को वर्कर हो अजेंट गुण तो अब अजेंटा ही जरूरत पड़ने लगी है। क्या वसुंधरा राजे ने कितना साथ दिया इसमें आपके टिकट के लिए? देखिए, वो अंदर की बात है, अभी तक मुझ तक तो पहुंची नहीं, पर मेरा दिल ये गवाही देता है कि उन्होंने मेरा बहुत मजबूती से पक्ष रखा होगा। कल से क्या कुछ रूपरेखा रहेगी सर? तो फार्म नॉमिनेशन फाइल डालेंगे, उसके बाद में जो भी कार्यकर्ता जैसे जैसे आदेश करेंगे। पार्टी में सब तरह की मदद करी, उपचुनाव कठे हुए, मोहन सिंह ने उपचुनाव में जितायो, रोहतास डॉक्टर ने उपचुनाव में जितायो, राजेंद्र राठौड़ ने उपचुनाव तो 4 दिन बाद में जितायो, उनके बाद में पार्टी ने धोखो करो, अब अपनी पाओगे अपना क्या है। अरे मैं तो निर्दलीय 2 बार जीते, एक बार बनी, आज भी मैं तो पार्टी में ये सारी वफादारी दिवाई पड़ी हुई है। आजकल पैसे नहीं चाल चक्कर चल रहे, बैरो को मैंने राज्यसभा बेचे थे, मैं गए मैंने तो इन निर्णय ने लेकर के कहना चाहो कि जो निर्णय करियो गयो है पार्टी के द्वारा, तो ये निर्णय गलत है कि गलत है? ये निर्णय गलत है। अब चुनाव लड़ांगा और जनता तनाव देख ही लिया अपने साथ। पार्टी ने जो पिलानी विधानसभा में कैलाश जी के साथ BJP की टिकट न दे करके जो धोखा किया है पूरी पिलानी विधानसभा, और मैं अपनी ग्राम पंचायत मंडेरा से पूर्व पंचायत समिति सदस्य विनोद निर्वाण, हम सभी संकल्प लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे, पूरे जिले में उसका विरोध करेंगे और यहाँ से कैलाश मेघवाल को निर्दलीय फार्म भराकर विजेता बनाएंगे। पूरे दमसम से सभी युवा और बुजुर्ग माता बहने सभी इस मुहिम में हमारे साथ हैं, पार्टी को करारा जवाब दिया जाएगा और कैलाश मेघवाल को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में कल सुबह 11 बजे नामांकन दाखिल किया जाएगा और 25/11 को बड़ी संख्या में सभी इस यज्ञ में इतनी बड़ी संख्या में मतदान करेंगे और 50,000 से ज्यादा की जीत भाई कैलाश मेघवाल को दिलाएंगे। टिकट कटने का कारण आप क्या मानते हैं? टिकट कटने का पार्टी ने सर्वे के आधार पर तो कैलाश जी को आगे माना था, अब आप सब समझते हो कहीं ना कहीं ये धोखा है और कहीं ना कहीं पैसे का इसमें बहुत बड़ा लेन देन हुआ है और पार्टी के कुछ स्वयं शंभू जो अपने आप को मुख्यमंत्री का दावेदार मानते हैं, उन्होंने पैसे खा करके इस टिकट में फेरबदल किया है और पिलानी की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा किया। वो तो नजदीक भी है इस परिवार के? नहीं, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन जिन्होंने भी कैलाश जी का टिकट काटा है, जनता की भावना के साथ खिलवाड़ किया है, तो निसंदेह रूप से पैसे खाकर ही ये काम किया है, वरना जनता का पूरा समर्थन तो कैलाश जी के साथ है।
इस विश्वासघात को आप किस नजर से देखते हैं? इस विश्वासघात को भारतीय जनता पार्टी का जिले में सातों विधानसभा पर सुंदरलाल जी की इतनी बड़ी छवि, इतने बड़े कद्दावर नेता है, सातों विधानसभा में निश्चित रूप से बहुत बड़ा धोखा इन्होंने किया है, तो सातों विधानसभा में बहुत बड़ा नुकसान होगा भारतीय जनता पार्टी। बताइए सर, टिकट कटने का क्या कारण आपको लगता है? टिकट कटने का कुछ भी कारण नहीं है। पार्टी की जो रीतियां नीतियां हैं, जो वो कहते थे कि हम सर्वे के आधार पर टिकट देंगे, उनकी सारी की सारी बातें निराधार हैं। उनको सर्वे से कोई मतलब नहीं है। या तो उनके पास जिन लोगों ने सर्वे पहचाया वो पैसों में मैनेज हो गए, क्योंकि आज आपने देखा होगा कितना जन सैलाब यहाँ पे था। और मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को ये कहना चाहूँगा, आज एक 92 साल के बूढ़े बाबा के जो आँखों में आंसू आए हैं, वैसे के वैसे खून के आंसू ये पिलानी विधानसभा की जनता अपने वोट रूपी चोट के साथ 25 तारीख को करने जा रही है। और अपने भाई, अपने बेटे कैलाश मेघवाल को जिताकर और पिलानी विधानसभा में भेजेगी, और आपको पता लग जाएगा कि आपका सर्वे कैसे पैसे में मैनेज हुआ था। पार्टी के इस निर्णय को आप किस नज़र से देखते हैं? देखो, निश्चित रूप से ये बात तो कहनी पड़ेगी, पार्टी से कहीं ना कहीं गलती हुई है और उसका खामियाजा भी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। आज जनता के अंदर जो रोष देखने को मिला है, और बड़े भाई कैलाश जी के नेतृत्व में इतनी संख्या में, भारी संख्या में जनसैलाब उमड़ कर इनके पास आया है और इनसे आग्रह किया है कि आप चुनाव लड़ो, तो कैलाश भाई ने हम सबका आग्रह स्वीकार किया है और सभी जनता का इनके ऊपर आशीर्वाद है। पार्टी को इस चीज़ का पता चलेगा कि पार्टी धनबल से नहीं, मनबल और जनबल से चलती है, और मनबल और जनबल कैलाश जी मेघवाल के साथ है। आज ये जो भीड़ हुई है, ये जब गांवों में, घरों में, बूथ पर जब जाएगी, तब ये तहलका मच जाएगा कि कैलाश मेघवाल 40,000 वोटों से पिलानी विधानसभा के अंदर जीत करके जाएगा, तब पार्टी को निश्चित रूप से अपनी गलती का एहसास होगा। जिस पार्टी में स्वर्गीय भैरव सिंह जी ने इनको, जब ये निर्दलीय जीते थे तो उनका हाथ पकड़ कर लेके गए थे और कहा था कि जब तक मैं जिंदा हूँ आपके साथ कोई धोखा नहीं होगा, लेकिन आज ये हमारा दुर्भाग्य कहें कि भैरव सिंह जी हमारे बीच में नहीं है, और उनकी जो कही हुई बात है उसकी बात का पार्टी ने सम्मान नहीं किया, और इसका खामियाजा पिलानी क्षेत्र की जनता अपने मताधिकार का प्रयोग कर करके हाईकमान को दे दे। टिकट कटने के पीछे आप क्या कारण देखते हैं कार्यकर्ता के रूप में? देखो, टिकट कटने के कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण तो पिलानी विधानसभा के अंदर धनबल का लगता है, लेकिन उन धनबल, और उनको पता नहीं है जिन लोगों ने पैसे लेकर के या पैसे के दम पर टिकट ली है, उनको पता नहीं है कि असली टिकट जनता के पास होती है। सुंदरलाल जी 2 बार टिकट कटने के बाद निर्दलीय जीते थे, और वही सुंदरलाल जी का बेटा है, आज ये अपने आप को इतिहास दोहराएगा और सुंदरलाल जी से भी ज्यादा वोटों से जीत करके यहाँ कैलाश जी मेघवाल इतिहास लिखेंगे।